प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को राहत दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन स्कीम की घोषणा की गई। 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। सरकार ने सुस्त पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने या पुनर्जीवित करने के लिए जुलाई में यह राशि आवंटित की थी। योजना के तहत छोटे शहरों के कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि स्कीम के रूप में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों को लाभ मिल जाएगा। कपड़ा मंत्रालय के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या PLI योजना को प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। सरकार इन पैसों को परिधान को बढ़ावा देने, रोजगार और निर्यात क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है।